हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयतन आयत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फ़हीम अंसारी। अभी इस वक्त जो है हमारे तमीम भाई का जो 200 स्क्वायर फीट का रूम है, इन्होंने 1 RK का रूम लिया है और हर महीने के EMI बेसिस पे लिया था। तो हम जो है रूम आपको दिखा देते हैं, इन्होंने जो 200 स्क्वायर फीट का रूम किस तरीके से हमारे को बना के लिया, बाहर की ग्रिल और ये डोर। तो अभी आपको दिखाते हैं ये रूम। ये देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा, जैसे हम लोग हर कस्टमर को वैसे करवा के देते हैं वैसा इनको भी हमने करके दिया। और ये देखिए, ये पूरा चलते हैं रूम के अंदर। रूम के अंदर आपको दिखेगा ये 1 RK में इन्होंने कुछ एक अलग तरीके से ऐसा काम करा के लिया है जो देख कर के बहुत दिल खुश हो जाएगा आपको। ये पूरा हॉल है, ये हॉल है और ऊपर आपके दिख रहा होगा यहाँ पे हाफ टाइल्स जैसा हर कस्टमर को हम देते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना स्पेस लग रहा है इनके घर के अंदर। ये देखिए, काफ़ी स्पेस लग रहा है। ये 200 स्क्वायर फीट का घर है। इन्होंने कोड माला बनवा के लिया है, कोड माला भी आपको दिखा। ये देखिए कोड माले पे यहाँ पे कुछ भी बाद में लगा लेंगे। ये PVC सीट, ये देखिए ये PVC सीट है। इसके ऊपर फैन लाइट सब बोला है इन्होंने, वो सब बाद में लग जाएगा। ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड है, ऊपर भी एक बोर्ड दिया है हमने। और 3x3 की विंडो है। और ये देखिए यहाँ पे भी एक बोर्ड दिया है, TV लगा सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने कोड माला करके लिया, इससे बहुत बेहतरीन लग रहा है। स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये कोड माला डालने के दिन को तो बहुत ज़बरदस्त स्पेस है। पूरा बर्तन के लिए इन्होंने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक किचन प्लेटफॉर्म है, ये किचन है और इन्होंने क्या किया है आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे साइड में इन्होंने छोड़ा है। ये छोटे से स्पेस में इनका पूरे घर का सामान आ सकता है। कैसे, यहाँ पे ट्रॉली लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर कड़प्पा रख देंगे तो इसके ऊपर पूरे सामान आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा स्पेस जो इन्होंने क्रिएट किया है, बहुत अच्छा स्पेस है। ऊपर कोड माला है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा किचन के ऊपर जो है टाइल्स है अपनी। और ये किचन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वॉश बेसिन का पाइप लगाना बाकी है। और ये इनका बाथरूम है, बाथरूम जो है टॉयलेट बाथरूम इन्होंने कॉमन रखवाया है और इंग्लिश बाथरूम रखवाया है इन्होंने। देखो इंग्लिश है। और साथ में ये देखिए फुल टाइल्स किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर, ये देखिए। और ये पूरी तरीके से इन्होंने जैसा हमको बोला वैसा काम करके दिया है। ये किचन, ये कुछ यूनिक लग रहा होगा आपको, ये स्पेस, ये कोड माला। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है इनको, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी रख सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा चेंज करने से इनका जो है स्पेस ज़्यादा अच्छा खासा हो गया। तो अभी हम लोग जो है हमारे तमीम भाई से बात करेंगे। हमारे तमीम भाई जो है साथ में आए हुए हैं और हम जो है इनको पूछेंगे कि हमारे कहाँ से, ये किस तरीके से हमारे से रूम परचेज। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये 200 स्क्वायर फीट का तमीम भाई का घर, ये कुछ यूनिक स्टाइल से बनाया है और डिजाइन जो है इन्होंने ही क्रिएट किया। जैसे बीच में जो पार्टीशन दिया है उसका, वो बहुत जबरदस्त स्पेस, वो है छोटा सा स्पेस लेकिन उस घर के अंदर जो है बहुत सारी चीज वो रख सकते हैं। तो हमारे तमीम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तमीम भाई? मैं तो देवसर से हूँ। एक्चुअली मेरा गांव कोलकाता से हूँ। कलकत्ता? कलकत्ता में कहाँ से? कलकत्ता हुगली डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह। और सैनपुर जिला। हाँ, जो लोग देख रहे हैं वो लोग सोचते हैं ना कलकत्ता वाले भी है क्या? नहीं, बताओ तुझे कलकत्ता में हो ना? कलकत्ता से हो? हमारे बहुत सारे कस्टमर है हमारे कलकत्ता से आए। और कलकत्ता अभी रहते किधर आप? दहिसर में? अभी दहिसर में हूँ। हाँ, फिलहाल कुरला में मेरे 12 रूम है। अभी दोनों में से एक रूम खाली करने के, मेरे को अभी इधर शिफ्टिंग होने वाला है। अच्छा, तो ये आप रेंट पे रहते हो? अभी रेंट पे रहता हूँ मैं। अच्छा, और ये यानी ये पहला घर है आपका खरीदा हुआ, क्या इसके पहले भी कुछ और रूम खरीद के? नहीं, पहले घर है ये, पहले ही घर है आपका। क्या काम करते हो तमीम भाई? मैं तो ज्वेलरी का काम करता हूँ। ज्वेलर्स वाले हैं, गोल्ड मैन हमारे ज्वेलर्स का हमारा काम करते हैं और मेकिंग का काम करते हैं हमारे, है ना? मेकिंग का काम करते हैं। तो हमारे तमीम भाई कितने साल से रेंट पे? तमीम भाई मैं तो लगभग 20 से हूँ रेंट पे। क्या बात कर रहे हो, 20 साल से रेंट पे? तो हमारे को कहाँ देख लिया आपने? मैं तो यूट्यूब में देखा, अभी लॉकडाउन के टाइम में देखकर। कितने साल से आप मेरे साथ में हो? मैं तो आपके साथ हो गया लगभग 1 हो गया। एक साल हो गया। उसके पहले मैं लोग यूट्यूब में देखता था लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सका। हाँ।
बाद में जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ मैं आया तुरंत आकर के रूम वगैरह देख करके आया तुरंत उसी दिन में बुकिंग करके चला गया। अच्छा उसी दिन तो आपने क्या देखा और तुरंत बुकिंग कर दिया ऐसा? मेरे को अच्छा लगा क्योंकि तुमने देखा आपको आपका वीडियो देखा मेरे को अच्छा लगा आया उसी दिन बुकिंग करके गया मैं और आज तक मैं कभी किसी को पूछा भी नहीं हाँ भाई के बारे में हमारे तमीम भाई जो इस घर के अंदर रहने के लिए भी आएंगे ना। हाँ कभी से रहने आएंगे तमीम भाई? अभी तो देखते फैमिली की तरह थी आपकी? अभी तो फैमिली फिलहाल गाँव में है, अभी गाँव में गए अभी 10-15 दिन हुआ। अच्छा अभी आएंगे तो उनको ही अचानक से वीडियो शेयर करोगे क्या? क्या ही घर मिल गया घर के अंदर। तो अभी रहने कब से आएंगे यहाँ? अभी रहने के लिए देखते हैं, अभी पहले माल सब शिफ्टिंग करेंगे, लड़का गांव में जाने वाला आके फिर इधर ही आने वाला। अच्छा कभी तक मतलब फिर भी अप्रोक्स एक महीना तो एक महीना लगभग चला जाएगा। तो हमारे तमीम भाई जो यहाँ पे रहने के लिए आएंगे, घर कैसा बना तमीम भाई कैसा लगा? एकदम दिल खुश हो गया आपका? अच्छा मेरे को चाहिए था वैसा ही हुआ, जैसा आपको चाहिए था वैसा ही हुआ। फैमिली में कौन कौन है तमीम भाई आपके? अभी फैमिली में मेरा लड़का है, मैं हूँ, मेरा वाइफ है और लड़के की अभी शादी हुआ अभी। अच्छा अभी तो अभी साथ में रहते हैं? अभी तो फिलहाल तो इधर इधर अभी गाँव में है। अच्छा तो शादी हो गया अभी हमारे तमीम भाई, बच्चे लोग भी जो है साथ में, अभी कितने बच्चे साथ में रहेंगे आपके? कौन कौन इधर? अभी मेरा वाइफ मैं और लड़का रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अब दो ही। हाँ ये देखिए तो अभी इनकी फैमिली में ये जो लोग यहाँ पे रहने के लिए आएंगे और हर चीज यहाँ पे तमीम भाई कंटिन्यू आना जाना करते रहते हैं। एक महीने में कितनी बार आते हो अभी? अभी तो मैं इधर आता हूँ घूम के जाता हूँ जब काफी अभी जब से रूम रेडी हो ना कितनी बार राउंड मार चुके हो कैसा? पहले तो बहुत बार मार चुका हूँ, बहुत बार मार चुके। पहले तो पहले तो आते नहीं थे, अब आते हैं तो राउंड मार मार के जाते हैं। अच्छा लगता है अभी अच्छा लगता है, एरिया भी अच्छा है, अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं आता हूँ घूम के जाता हूँ। पास भी निकाल लिया हमने, पास भी निकाल लिए, पास भी है मेरे को, पास भी निकाल लिया अभी तमीम भाई जो है हमारे। और जो इस पोजीशन पे इन्होंने किस तरीके से बुकिंग किया थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं। बुकिंग कैसा किया था? पहले जब आया था आके मैं 5,500 रुपए दे के बुकिंग करके चला गया। कितने में रूम लिया था आपने? ये 5,500 में। 5,500 अच्छा, ये 5,500 का रूम लिया था, अभी 5,75,000 हो गया। तो हर महीने ईएमआई आप 5,500 रुपए भरते भरते कितने टाइम तक आपने भरा और फिर उसके बाद में डाउन पेमेंट किया? फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके मैं फिर मैं 1,10,000-20,000 रुपए दिया। मतलब अपने हिसाब से पैसा देते गए? देते गए। कोई बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं दिया? बड़ा अमाउंट दिया था। फिर मैंने कितना बड़ा अमाउंट? 60,000 रुपए। अच्छा वैसा मतलब कि हमने इकट्ठा अमाउंट मांग के लिया क्या आपसे? नहीं 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 कभी भी नहीं मांगा पैसा, मांगी कभी भी नहीं मांगा, नहीं मांगा कभी भी नहीं मांगा। स्टाफ और लोग तो बाद में देखेंगे, अपने मर्जी से देते हैं। मर्जी से हमारे जितने भी कस्टमर है, हमने आज तक कोई कस्टमर से पैसा नहीं मांगा, उन्होंने खुद लाके दिया और खुद ही अभी अपने घर पे रहने के लिए आए, अब वो ईएमआई खुद ही ईएमआई भरेगी। तो ये हमारे तमीम भाई, और अगर आप लोग भी अगर बुकिंग कराना चाहते हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, सोच रहे हो तो सोचते रह जाओगे दोस्तों, अगर आप बुकिंग नहीं करोगे तो आपको करना कुछ नहीं है, खाली ईएमआई देकर के, पहला ईएमआई देकर के भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बुकिंग महीना भरते भरते आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं अपना पैसा जो है दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो भी कर सकते हो, अगर आपको लगा कि ओवर प्लॉट लेना है तो भी ले सकते हो, मेरी कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू है वहां शिफ्ट करना है तो भी कर सकते हो। ऐसा अपॉर्चुनिटी भी हमारे इधर मिलेगी तमीम भाई। और क्या बुकिंग की हमारे? मैं तो बोलता हूँ आओ, आप लोग भी आओ, फहीम भाई से जुड़ो, रूम लो, फहीम भाई बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमीम भाई, आप लोगों का प्यार हमारे साथ में जुड़ने के बाद जो है, और लोग जो देखते हैं वो भले नहीं लेते हैं लेकिन शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों को बुलाते हैं, ये आप लोगों का प्यार ही हमारे साथ में है। और हमारे तमीम भाई तो इतने खुश हो गए मैं बता नहीं सकता हूँ, उनकी खुशी जो है दिलों के अंदर ही नहीं है, बाहर भी आई है। और हमारे जैसी उनकी फैमिली यहाँ रहने आएगी तो और खुश हो जाएंगे, क्योंकि 20 साल के बाद जब इनका खुद का घर किसी का होता है तब जाकर के कुछ तमीम भाई। मैं तो बहुत सारे आदमी को भी बोला हूँ, मैं आप लोग आओ, बहुत सारे अभी ये वीडियो देख रहे के बाद तो लोग को बोलेंगे तमीम तुमने ले लिया तभी। कल ही मेरे को एक मेरा दोस्त ने फोन किया, फोन किया ठीक है ठीक है मैं आऊंगा। फिर मैं एक दिन जा रहा था इधर से, आदमी मेरे को स्टेशन पे मिला, बोलते भाई साहब आप लोग किधर गए थे, बोले ऐसा ऐसा इधर गया था। अच्छा फिर
भाई मेरे को फोन नंबर दिया, अभी फोन किया कि मेरे को मालूम नहीं, लेकिन फोन नंबर उनको दिया मैं स्टेशन। हाँ, ये हमारे कस्टमर है क्योंकि इनको एक सेटिस्फेक्शन है, इसके लिए इन्होंने दूसरे को रेफरेंस किया। अभी भी ये घर में रहने के बाद अगर भी किसी ने इनसे पूछा भी तो ये कहीं और नहीं भेजेंगे सिवाय हमारे। हमने इनसे जबरदस्ती नहीं की, हमारे को कस्टमर देना है, ये इनकी मर्जी है, ये जहाँ आए जहाँ देना चाहे वहाँ दे सकते। तमीम भाई हमारे 20 साल के बाद और अभी खुद के घर में रहने का मजा ही निकाल रहे हैं। ये आपको आपका ताला चा भी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी इस घर के अंदर आपको रहने के लिए आना है और पूरा घर आपका खुश रहे, हमारी भी यही दुआ है। इनके लिए घर इतना सक्सेसफुल निकलेंगे, ये प्रॉपर्टी से 100 प्रॉपर्टी और बना लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे तमीम भाई के लिए भी दुआ कीजिए, आप लोग भी जुड़ जाइए, महीना महीने EMI स्टार्ट कीजिए, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देगा। तो हमारा अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक तो कोई करता ही नहीं है, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक आगे मिलिए, आगे मिलिए, आगे मिलिए, तमीम भाई की सीनियर आगे मिलिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को वीडियो शेयर करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।